से जहां पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत, पंकज सिंह की ओर से साफ कहा गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की बातें कही हैं पंकज सिंह ने, और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हुई है। पंकज सिंह ने शिष्टाचार भेंट की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत की बातें कही, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, दोनों की मुलाकात क्या कुछ कह रही है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में चुनाव में जीत हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी और साथ ही साथ पंकज सिंह की भी, लेकिन अब शिष्टाचार भेंट और एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं मुख्यमंत्री से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जब सभी विधायक जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत जीत के हिस्सा हैं, वो सभी विधायक एक एक करके मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों से मिले हैं। उसके बाद एक एक करके सभी विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के इस 2022 विधानसभा के प्रचंड जीत के हिस्सेदार हैं, वो सभी मुलाकात कर रहे हैं। पंकज सिंह को आप बता दो दूसरी बार नोएडा सीट से जीते हैं, और पंकज सिंह रिकॉर्ड वोटों से जीते हैं। करीब 1.5 लाख वोटों से अधिक वोटों से पंकज सिंह जीते हैं। हालांकि इनसे भी एक अधिक सीट मतों से जीतने वाले कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, वो करीब 2 लाख 2.25 लाख वोटों से जीते हैं, लेकिन पंकज सिंह ने भी रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। पंकज सिंह और मुख्यमंत्री की मुलाकात एक ऐतिहासिक मुलाकात है, दोनों की लगभग 1 लाख सीटों से ज्यादा की जीत हुई है। पंकज सिंह ने मुख्यमंत्री की तारीफ की तो मुख्यमंत्री ने भी पंकज सिंह को बधाई दी, और इनको इतने मतों से जीतने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंकज सिंह को बधाई दी। हालांकि दोनों ने मिलके एक दूसरे को बधाई दिया, लेकिन यह सिलसिला मुलाकात की पिछले कल से ही, जब से परिणाम आए हैं सारे, तब से जारी है, और एक एक करके पूरे प्रदेश के जितने विधायक जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल दिनेश जी, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, कई लोग बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन एक अहम बात है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है, कैबिनेट में जगह मिलनी है, तो क्या इन मुलाकातों को उससे जोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण, ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली में तय होगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली जाएंगे, जहां केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में ये लोग हिस्सेदार बनेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद संसदीय बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, किस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल योगी कैबिनेट में कौन कौन हिस्सेदार होगा, किस किस विधायक को उसका हिस्सा बनाया जाएगा, ये सब कल दिल्ली में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में तय किया जाएगा। हालांकि अभी डेट निर्धारित नहीं हुआ है कब शपथ ग्रहण होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि होली के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। चूंकि अभी खबर चल रही थी सूत्रों से, भारतीय जनता पार्टी के हवाले से, कि 15 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अभी ये केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी के और संसदीय बोर्ड ने यह तय नहीं किया है कि कब शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल, बैठक के बाद ये तय होगा। बिल्कुल, यानी बैठक के बाद ही सभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पंकज सिंह ने मुलाकात की है और शुभकामनाएं भी दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां होली के पर्व को देखते परिवहन विभाग का